बसमैक्म डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द न्यू क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है लेक्चर नंबर फोर जनरल मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर एट पढ़ रहे थे एक्सरसाइज़ एट पॉइंट वन एट पॉइंट टू एट पॉइंट थ्री हम कर चुके हैं अभी एक्सरसाइज़ एट पॉइंट फोर में आप लोग का जो कोर्स um, है वो पेज टू सेवनटी सेवन टू सेवनटी एट एग्ज़ाम्पल वन टू थ्री फोर है एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर में क्वेश्चन वन में ये दो पार्ट है टू में ये दो पार्ट है क्वेश्चन फाइव में है क्वेश्चन सेवन में क्वेश्चन एट है और क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो पूरा है तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास टॉपिक है वो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी है जी ठीक है कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास सिंपल पहले हम अगर ले में डिफिनीशन को डिफाइन करें सपोज ये आप लोग के पास एक्स एक्स और वाई एक्से ये एनी कर्व है अगर कोई भी कर्व हमारे पास विदाउट लेटिंग द पेन आर पेंसिल एंड इफ वी ड्रा द ग्राफ एंड इफ देयर इज नो गेप अकर इन द ग्राफ देन दिस फंक्शन इज कार्ड कंटिन्यूअस ग्राफ अगर हम देखें यहाँ से मैंने पेन शुरू किया है और बग़ैर पेन को उठाए हुए और मैंने एक ग्राफ ड्रा कर लिया जिसमें कहीं पे भी आप लोगों को ग्रा गेप्स वगैरह नज़र ना आ जाए तो इस किस्म के ग्राफ को हम क्या कहते हैं कंटीन्यूस ग्राफ कहते हैं क्या कहते हैं कंटीन्यूस ग्राफ और अगर कहीं पैलेट से हमारे पास ये हमारे पास कोई ग्राफ है देखें ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया फिर मैंने पेन उठा लिया और फिर मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा जो है आप लोगों के पास एक गेप नज़र आ रहा है तो इस केस में ये कंटीन्यूस नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ जी ये हमारे पास डिसकन्टीन्यूस फंक्शन हुआ क्या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूटी जो है अभी हम किस तरह डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन जो है आ, हम इस तरह लिखते हैं मैथमेटिकली इसकी डिफिनीशन ये है कि अ फंक्शन एफ़ ऑफ एक्स इज़ सेट टू बी कि ये हमारे पास इज सेट टू बी कंटीन्यूस होगा कंटीन्यूस एट अपॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड अगर हमारे पास क्या हो जी ये फॉलोइंग कंडीशन जो है क्या हो सेटिस्फाइड करता हो कौन कौन से कंडीशन है पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि एफ ऑफ़ एक्स इज़ डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्ल्स टू ए पे फंक्शन जो है डिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट ए पे सिमिलरली हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच इज टू एफ ऑफ एक्स जो है ये एग्जिस्ट होना चाहिए इन अदर वर्ड में आप लोग स्टेप वन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर एफ ऑफ ए इज डिफाइंड यानी एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेंगे या यहाँ पे एक्स की जगह आप लोग क्या पुट करें ए पुट करें एफ ऑफ ए इज डिफाइंड सेकेंड स्टेप हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स ए एफ ऑफ एक्स एक्जिस्ट होना चाहिए थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर होना चाहिए किसी के एफ ऑफ ए के इफ़ कंडीशन आर सेटिस्फाइड फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ वन ऑफ द कंडीशन इफ द कंडीशन फेल्स देन वी से फिर हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस हम फिर कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है जी डिसूअस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे कंटीन्यूटी ऑफ फंक्शन देखिए लेम एंड डिफीनिशन हम इस तरह करते हैं कि अ फंक्शन एफ आफ एक्स इज सेट टू वी कंटीन्यूअस के अगर विदाउट लेटिंग अ पेन आर पेंसिल इफ वी ड्रा अ ग्राफ एंड डेयर इज नो गेब अकर इन द्राफ देन वी से एफ आफ एक्स इज अ कंटिन्यूस एंड इफ वी ड्रा अ ग्राफ एंड डर अकर अ गेब इन द्राफ ये नहीं देखें ये हमारे पास एक गेप है बड़ा सा गेप नज़र आ रहा है देन वी से डेट फंक्शन इज डिसूस मैथमेटिकली जो है इसकी डिफिनीशन हमारे पास किस तरह होगी मैथमेटिकली हमारे पास हम कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटीन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए अगर हमारे पास फॉलोइंग कंडीशन जो है सेटिसफाइड होते हो कौन 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 से कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए या हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड और सिमिलरली हम कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए ठीक है और थर्ड हमारे पास ये हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और ये जो पहला कंडीशन है ये दोनों जो है सेम होने चाहिए अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कहेगी Continuous है अगर इसमें एक कंडीशन भी जो है सेटिसफाइड ना हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो लोगों के पास एफ ऑफ एक्स क्या है जी एक्स स्क्स फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस ट्री टू डिस्कस कंटिन्यूटी के आप लोग कंटिन्यूटी जो है डिस्कस करें डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्ल्स टू टू पे के। आप लोग टू पे जो है कंटिन्यूटी डिस्कस करें <coughs> तो देखें जब हम टू पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये टू जो है ये a है जिस तरह हम यहाँ पे डिफिनेशन में एट एक्स इक्ल्स टू ए पर फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वेर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू है तो हम क्या करेंगे पहले आप लोग एफ ऑफ एक्स यानी लेकर पुट करोगे कि आइदर ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है कि नहीं है तो जब हम यहाँ पे देखें x की जगह टू पुट करते हैं तो टू स्क्र माइनस फोर डिवाइड बाई टू माइनस टू फोर माइनस फोर आ रहा है डिवाइड बाई जीरो तो जीरो बाई जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है जी डायरेक्ट आप लोग के पास ये जीरो बाई जीरो आ रहा है ठीक है लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें किस तरह सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट पेज पे देखें अगर हम इसको इस तरह लिखें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू X X 4 X X 2. अभी आप लोग वो पहला कंडीशन जो है सेटिस्फाई करिए जगह क्या पुट करें टू पुट करें तो एफ ऑफ टू हमारे पास आ जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू क्या रहे जी ये डिफाइंड आ रहे हैं क्या है हमारे पास पहला फंक्शन सेटिसफाइड हुआ टू प्लस टू यानी हमने फंक्शन पुट डायरेक्ट आप लोग जब पुट कर रहे थे तो वहाँ जीरो बाई जीरो हमारा था अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जब सिंपलीफाई कर लिया मैंने तो ये एक्स प्लस टू आ गया तो एक्स में अभी एक ही जगह टू यानी पुट करें यहाँ पे एक्स में तो टू प्लस टू फोर है सेकेंड स्टेप अभी हमने क्या करना है लिमिट अप्लाई करना है लिमिट एफ ऑफ एक्स हमने चेक करना है तो ए की जगह हमने क्या पुट करना है टू एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्र माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू अभी हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि ये बराबर है एक्स प्लस टू के यानी दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो टू प्लस टू इक्वल्स टू क्या है फोर तो लिमिट हमारे पास क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है और थर्ड कंडीशन हमने ये अभी पढ़ लिया कि लिमिटिंग वैल्यू लिमिटिंग एक टू एक्सोच ए बराबर होना चाहिए तो पहला कंडीशन से भी देखें फोर आ रहा है और सेकेंड कंडीशन से भी क्या फोर आ रहा है आ रहा है तो सेटिस्फाइड हुआ तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू टू के फंक्शन हमारे पास क्या है जी है एट इक्वल्स टू टू पे अभी देखिए ये तीन कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड होना चाहिए एट पे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू पहला कंडीशन जो है आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो पहले हमने क्या कर लिया इस एग्जाम्पल में पहला हमने ये कर लिया कि फंक्शन हम मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स सिंपलीफाई कर लिया उससे एक्स प्लस टू आ गए की A 2 मैंने पुट कर लिया टू प्लस टूल ए की जगह टू ए फंक्शन की जगह स्क्वे माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू है जब मैंने लिमिट चेक कर लिया तो लिमिट से भी फोर हो तो ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सेटिस्फाइड हो गया तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास की है जी कंटिन्यूस है ठीक है ये एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर टू देखे एग्जाम्पल नंबर टू में कह रहे हैं कि और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिस्कस कंटिन्यूटी चेक करें आप लोग किस पॉइंट पे वन पे तो देखिए पहला स्टेप हमारे पास ये होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इक्व टू थ्री एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस फोर आप लोगों के पास एक्स इक्वल पास क्या है इस केस में वन है तो इसमें सिंपली ए पुट करें यानी वन पुट करें तो थ्री इंटू वन स्क्र माइनस फाइव इंटू वन प्लस फोर तो थ्री और फोर सेवन सेवन माइनस फाइव से क्या आ रहा है जी टू आ रहा है तो कुछ वैल्यू आ गई तो ये देखें तो हमारे पास फंक्शन क्या हुआ डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप लोग के पास कोई वैल्यू आ जाए अच्छा अगर इंफिनिटी आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है अनडिफाइंड है सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ए की जगह आप लोग के पास क्या है वन है एफ ऑफ एक्स हमारे पास है थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर तो अभी जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट देखें थ्री इंटू वन स्क्वेयर माइनस फाइव इंटू वन प्लस फोर तो वही हमारे पास थ्री प्लस फोर सेवन सेवन माइनस फोर से टू लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है तो अभी तीसरा कंडीशन हमारे पास ये हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए तो पहला कंडीशन भी हमारे पास क्या है पहला पहले कंडीशन से भी हमारे पास टू आ रहा है और लिमिट सॉरी यहाँ से हमारे पास लिमिट से टू आ रहा है और एफ ऑफ ए यानी आप लोग के पास ये जो एफ ऑफ वन है ये भी हमारे पास टू आ रहा है तो दोनों सेटिस्फाई हुआ तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन ठीक है जी तो ये दो एग्ज़ाम्पल्स हो गए अभी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं